तो लो भी गाइस अपनी वॉशिंग मशीन जो है आ गई है। मम्मा एक मिनट आयो बाहर, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। मैं बढ़िया लड़का स्याणा है मैं को दो क्या खराब है। ओ भाई ओ भाई की 24 आवर्स पंजाबी स्पीकिंग चैलेंज करता है। वैसे तो मेनू थोड़ी बहुत आंदी है पर मैं बोलती नहीं हैगी, मैं शर्म आती है। मेरे को पंजाबी आया ना जतन को पहाड़ी जरूर आ गई है। जुक दो तीन लाइन सुनाओ प्लीज। मैं प्यास लगी, बोलो जल्दी पहाड़ी में। चीज लग लग गया क्या है पूरी है। मम्मी खुश हो जाएगी, फोन करके बोलेगी भाई जतन कितना फनी बोलता है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लास्ट वीडियोस पे कि आपका केरला का क्या बजट रहा है, कितने पैसे लगे हैं, ए टू जेड चीजें बताओ। तो उस चीज पे मैंने व्लॉग बना दिया है, वो निधि के चैनल पे आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो चेक कर लेना या फिर आप निधि के प्रोफाइल पे जाके भी व्लॉग चेक कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बताया कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी आज जो है मैं मम्मी और निधि को एक छोटा सा सरप्राइज देने वाला हूँ। एक्चुअली हमारी ना जो वॉशिंग मशीन है ना वो बहुत पुरानी हो गया, लाइक मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए हैं। वैसे तो मैं हर बार कह देता हूँ मम्मी और निधि से कि बदल लेते हैं, लेकिन वो कह देते हैं यार नहीं अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हाँ जरूरत है। मम्मी का तो ऐसा है ना, अगर जरूरत होगी भी ना वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक एक्सट्रीम लेवल नहीं पहुंच जाता। तो मेरे को लग रहा है कि हाँ यार जरूरत पड़ गई, इतनी पुरानी भी हो गई है, एक दो बार तो करंट भी मारा है मशीन ने, ठीक कराई फिर हम लोगों ने, अब मेरे को लग रहा है कि नई की जरूरत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार, मशीन देखते हैं कोई बढ़िया सी कोई कंपनी, मैं LG या सैमसंग की सोच रहा हूँ, देखते हैं कौन सी लेते हैं। और अभी निधि और मम्मी जो ऊपर टेरिस पे धूप सेक रहे हैं, तो पहले मैं देख के आता हूँ, अगर सही लगी सारा कुछ सही लगा तो मैं पेमेंट भी कराऊंगा, शाम तक आ भी जाएगी मशीन। माँ गेट लगा लो, मरा जाके आया मैं संडीगोल। तो एक हमारे पास ऑप्शन में थी LG की और एक मेरे को ये पसंद आई थी IFB की, तो मैंने सोचा यार IFB की करवा देते हैं, बिकॉज इसमें ना यार स्टीम वगैरह का भी ऑप्शन था और हॉट वाटर का, तो ये वाली डन कर दी हम लोगों ने। तो लो भी गाइस अपनी वॉशिंग मशीन जो है आ गई है। मम्मा एक मिनट आयो बाहर, मम्मा जी बाहर आयो, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। मैं समझ गया हाँ, वॉशिंग मशीन कौन सी है? हेलो सबर करो, क्या लाया नहीं तो ढंकी यहाँ पे रखवा दो। हम लोगों ने ली है IFB की, मेरे को यही सही लग रही थी तो मैंने यही मंगवा दी। कैसी लगी मम्मी, सही है? मेनू एक LG की पसंद आ रही थी, एक आ पसंद आ रही, फिर मैं क्या इहदे विच हॉट वाटर स्कीम वगैरह दा सारे ऑप्शंस ने। कितने की पड़ी वैसे? ये पड़ गई 31,000, 31,000 इकट्ठा ही खर्चा कर छड्डे। रहने देनी थी जो चल तो रहा है सलाम से। बस यार अब ठीक नहीं लग रही इतना ध्यान। ओ माय गॉड, मेरे अपा तो सोचदे सी कि सोचदा नहीं, पर सोचदा बहुत है ना, दसदा नहीं है ना, हैं सोचते तो है लेकिन छुपे रस्तों छुपे रस्तों से। So how's your feeling, mom? बहुत बढ़िया। बढ़िया? बढ़िया कपड़े धो के मिलेंगे आपको। लोग खोलो कौन? आप खोलो। मम्मा ने कहा, मम्मा खोल लो अनबॉक्सिंग करो। थोड़ा ही चला गया लेकिन। ही? जब तक इधर शगन मार। दे दांगे शगन? अरे तेल नहीं चोया ना? कोई ना। ऊपर कर दे वक्त शगन चो दे, ऊपर ही ऊपर लगावांगे। ठीक है ठीक ओके जो कहोगे लाओगे। सही बात है, ठीक है फिर उल्टी तो नहीं है? पता नहीं खोलो तो फिर उल्टी तो नहीं?
सीधी है चक्के। तो ये है गाइस हमारी न्यू वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक IFB की। इसका हमारे को भी पता नहीं है सिस्टम में ना, बता कोई नहीं। हाँ अरे यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, सेट करके जाएंगे। हाँ हाँ इंस्टॉलेशन करके जाएंगे। सो गाइस अभी तक हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक थी, तो मैंने कहा यार ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करते हैं। मम्मी और निधि को दोनों को आराम मिल जाएगा, बस कपड़े डालो, बस टाइमर लगा दो। कपड़े धोने वाले पे ऐसे तो हाँ बट ठीक है। एक तो गाइस इन लोगों को मैंने क्या कह रहे हैं आराम के लिए लेके दी फुल ऑटोमेटिक के, चलो यार थक जाती हैं बेचारी दोनों। ध्यान रख रहा हूँ तुम लोगों का है। इतना ध्यान यार तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। कलर सही है ना? एक कोई कलर सी वैसे कोई चॉइस नहीं थी। हाँ यही कलर, पर ग्रे कलर बढ़िया मम्मी है ना। ये देखो गाइस अलग अलग ऑप्शन है कि बेबी वियर के लिए है, जो भी। ये देखो गाइस बथेरे ऑप्शन है यार, जीन्स हो गई। ये भी आप ऐसे बोल रहे हैं सही, अपने बारे सोच रहा है ना, पर दस दा नहीं हैगा दिल च रख रहा ना। सही बात है, लड़का सियाना है इंडा बहुत। मैं कदों क्या खराब है? ओ भाई सही बात है, सही आ। कई बार ऐसी ना होंगे तो मम्मी तो सकता। हाँ ये तो है, सही बात है गाइस, ऑटोमेटिक है। अगर मम्मी या निधि घर पे ना हो तो कपड़े डाल के बटन ही दबाना है और क्या करना है। हाँ तो आप वैसे आपने हमारी हेल्प करनी हो तो आप कपड़े धो दिया करना, बाकी काम कर लिया। अच्छा ठीक है जी, ओके जी ओके। ग्रीन टी वाले है, मैं और मम्मी है चाय वाले। पार्टी कर दिने मम्मी, पार्टी तो मेरे वालों नहीं, मैं तो मशीन लेती है। गाइस देखना मेरे से पार्टी मांग रहे हैं, वो पार्टी तो उनकी तरफ से बनती है ना, दोनों की तरफ से भाई पार्टी तुम लोगों से बनती है। मैं खाऊंगा घर पे बना के खिलाना है बाबू, घर पे ना। हाँ। स्प्रिंग रोल बना ले घर पे, दिल कर रहा है मेरा। हेल्दी ओनली हेल्दी, इतना बाहर का खा के आयो, बाहर जाके स्प्रिंग रोल खाने हमने बड़े ने। कुछ देसी चीज बताओ, मैं देसी चीज बना के दूंगी बढ़िया। मैं और बेसन का हलवा बनाऊंगा देसी। नहीं लेकिन यार तुम लोग तो फिर सस्ते में खा रहे हो, मेरे को हलवा बना दिया। आप ही कह रहे हो ना कुछ मीठा है, रोज तो कहते हो मीठा मीठा, तो बस फिर मीठे में वही बनाएंगे, फिर कुछ एक बढ़िया चीज बना के खिला देंगे आपको। क्या खिलाओगे? आलू गाजर मटर की सब्जी, रोटी, घी लगा के दही के साथ दाल बना लेंगे। ये गाइस देख लो, एक पार्टी नहीं दे रहे मेरे को ढंग से, पार्टी तो दे दो यार। तो बताओ ना, टिक्की बना ले, स्प्रिंग रोल छोड़, आलू की टिक्की। हाँ ठीक है, अज नहीं तो कल बना लियो, ए नहीं कह रहा कि अज ही टिक्की बना देंगे। हाँ अज नहीं कल बना दो, अज कड़ा बना दो कल टिक्की बना दो, ठीक है। हाँ हाँ दही भल्ले बना दे एक दिन। वॉशिंग मशीन की खुशी में मैं सोच रही हूँ जतिन का मुंह बिठा करना तो बनता है यार। डुबू आंखें बंद करो, उठ जाओ, उठो जल्दी यार, मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, जल्दी उठो और उसके सहारे बैठो, आंखें बंद रखो ठीक है। एक सेकंड मेरा फोन पकड़ो, एक से आके खोल कर रखो, बंद कर रहे हो, एक्टिंग देखो गाइस, नींद की एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने ये, पकड़ो एक मिनट। हाँ गुड बॉय, मुंह खोलो, आंखें बंद मुंह खोल दो, आपको मेरी कसम देखना मत, आपको मेरी कसम है डुबू, मेरे छाना पा रही मुझे नहीं, आपको मेरी कसम देखना मत, आ करो, शर्मा मत यार डुबू। यार कुछ हो नहीं ना, कुवारी देख नहीं रहे ना, नहीं देख रहे ना चीज बना के खिला मेरे को, तो मुंह मीठा तो करना ही है। अब फिर अभी वो बनाएंगे ना हलवा बनाएंगे। गाइस मैं सोच रही हूँ ना कि 24 hours पंजाबी स्पीकिंग चैलेंज करता है, पंजाबी बोल दी करे, तू नहीं बोल दी है।
ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਬੋਲ ਇਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨੀਦੀ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਵਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਇਸ ਜਿਸੇ ਬੋਲਤੀ ਹੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਅਕੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫੈਂਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਬੋਲੂੰ ਆਫੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਗੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਅਦਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਦਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੁਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਓ ਪਲੀਜ਼ मैं प्यास लगी बोलो जल्दी पहाड़ी में यार मेरे को नहीं आती प्लीज मेरी मम्मी खुश ये ना मेरे से गाइस पहाड़ी में बुलवाती है फिर हंसती है जान बुझ के बोलो मम्मी खुश हो जाएगी व्लॉग देख के क्या बोलो मेरे को प्यास लग रही है चीज लग लग है भूख लग रही है भूख लग लग क्या है पूरी है मम्मी खुश हो जाएगी फोन करके बोलेंगे भाई जब तक कितना फनी बोलता है क्यूट लगता लगा लगता लगा मैं भी अपनी पहाड़ी भूल जाऊंगी तुम्हें सिखाने के चक्कर में तो अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे हलवा आटा और बेसन का ना तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए ये सारा मटेरियल बेसन आटा ड्राई फ्रूट्स घी और चीनी और गरी अगर आपने डालनी है ये ऑप्शनल है हम तो डालेंगे नहीं डालनी हम बस अभी जो ये चीनी है इसको हम इस दर फ्राई पैन में डालें कितनी कौलियाँ डालिए पानी की अम्मा जितना आटा तेरे बेसन है ना ठीक है डबल ठीक है जितना आटा और बेसन है इसको डबल हमने कौलियाँ डाली मतलब दो कौलियाँ डाली है ना हाँ, दो कौलियाँ पानी की डाली है चीनी से चीनी जितनी ये है उतनी क्वांटिटी चीनी की आप लोगों को दिखा ही दी थी अब इसको अच्छे से चाशनी बनने देनी है तब तक हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे गाइस हमारा जो पानी है वो पूरा चाशनी बन चुकी है और यहाँ पे हमारा कड़ा भी बिल्कुल तैयार हो रहा है इसको करते हैं बंद कर दो लगातार हलाते रहना चाहिए अच्छा ठीक है जरूरत नहीं है ना पैंती आटे और इसमें पड़ती है गाइस आप भी सीख लो ये देख इस टाइम का हलवा है और बहुत मस्त बनता है खाने में इसमें हमने ये चाशनी वाला पानी ऐड कर दिया और अभी भी इसको घुमाते रहना नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाएगी सिम पे तो नहीं होना गैस डुगू जी ये लो मुबारकबाद है आपके लिए खाओ अब मीठा मुंह मीठा करो और बताओ कैसा बना है खा तो लो पहले मुंह टेढ़ा कर रहे हो बढ़िया शगन निकालो फिर शगन निकालो गेट पे बिंदिया भी निकालो आर यू सीरियस ओ माय गॉड आई एम सो ग्लैड 10 रुपए से काम नहीं चलेगा थैंक यू ये भी बहुत बड़ी बात है गाइस शगन तो शगन ही होता है 10 रुपए चाहे 10,000 है थैंक यू डुगू जी कैश नहीं निकलवाया था यही था एक 10 का नोट पूरे वॉलेट में नहीं फिर खाली मत रखो लो रख लो वापस नहीं रख लो रख लो नहीं है फिर कल दे देना ना कल निकलवाने मैंने तो फिर कल दे देना कल जाने वाले थे दोनों